समागम का कर्ता कर्म अधिकार है। अधिकार बड़ा मधुर है क्योंकि इसके विषय पर यदि सच्चाई से थोड़े समय भी चिंतन धारा प्रवाहित हो तो चित्त प्रसन्न हो जाए। चित्त की एक अपूर्व और अलौकिक प्रसन्नता का अधिकार। सुनने से तो चित्त प्रसन्न होना ही चाहिए, तो सुनते समय अधिकार के जो प्रणेता हैं आचार्य कुंदकुंद, वे स्वयं इस भार से सर्वदा के लिए मुक्त हुए हैं और वे हमें भी जगत के उन योग्य प्राणियों को भी, भव्य प्राणियों को भी सदा के लिए अपनी ही तरह इस व्यर्थ के भार से मुक्त करना चाहिए। यह भार कर्ता कर्म का जो भार आत्मा ने ओढ़ा है, अपने सिर पर रखा है, ये सार्थक नहीं। सार्थक भार में तो आनंद होता है, पर ये भार असार्थक भार, अकिंचित कर भार, व्यर्थ का स्वीकार किया हुआ भार है कि जिससे जिसके फल में जरा भी कोई प्रतिफल सुख रूप मिलने वाला नहीं, आकुलता और बढ़ने वाली। जैसे किसी व्यक्ति को ये कहा जाए, तुमको हम 5 रुपया देंगे और ये जो पत्थर है इसको नीचे से उठाकर ऊपर की मंजिल में रख दो, तो उसके सिर पर भार होने पर भी भीतर एक उपलब्धि की प्रसन्नता है। तो भार का अनुभव उसे कम होता है और उसके फल की अनुभूति उसे विशेष होती है। हम ये सोचें कि कर्ता कर्म का जो वजन कोई एक पत्थर जितना नहीं, लेकिन लोकालोक का भार किसे कहते हैं? उसमें तो सारी जगत की इमारतें आ गईं। मैंने कौन सा हिस्सा बाकी रहा? कौन सा हिस्सा बाकी रहा? मेरु पर्वत बाकी रहा? किंतु मेरु पर्वत को जिसके लिए किसी ने कुछ कहा नहीं, और कहा तो ये कहा इसकी छेड़खानी मत करना, प्रलय की पवन से भी नहीं हिलता है तो तेरी क्या विसात है। तो भी वह उस मेरु पर्वत को हिलाने और डिगाने की चेष्टा में प्रति समय व्यस्त है, तो क्या हाल होगा इस जीव का हर समय? अथवा जैसे किसी ने हमें पत्थर उठाकर सिर पर रखने को तो कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि इसे वहां ले जाकर रख और तुझे 5 रुपया देंगे। सिर्फ ये कहा कि इसको सिर पर रखकर दिन भर धूप में खड़ा रहे, तो उस भार से उसकी चित्तवृत्ति क्या होगी?
दिन भर आकुलित होगी ना, प्रसन्न तो नहीं होगा, नहीं होगा। और हमारे पास जो भार है सारे लोकालोक का, उस भार से हम आज तक भी विकल नहीं हुए, थके नहीं, हमारे मुंह से भी ये नहीं निकला कि ये भार अब हमसे सहा नहीं जाए। तो जिनवाणी भी क्या करे, तू प्रसन्न है तो मैं भी क्या करूं। तेरे को दुख लगता हो, अनुभव में आता हो तो मैं कुछ बोलने की चेष्टा करूं, भगवान को भी पूछे तो वो भी कह देंगे कि हमको तेरा अंतःकरण मालूम है, तो तू चाहता कहाँ है। तू चाहता हो तो हमारी वाणी खिरे, तू चाहता ही नहीं है तो हम क्यों बोलें। ये संपूर्ण विश्व का भार हम ये कह सकते हैं, हमारे पास तो थोड़ा सा भार है, ज्यादा कहाँ है, छोटा परिवार है, थोड़ा सा ऑफिस है, थोड़ा सा कोई व्यवसाय का स्थान है, और क्या है, कहाँ तीन लोग का है भार। तीन लोग का भार है या नहीं, क्योंकि जिसको वर्तमान में जो भार है वो भार तीन लोक की जाति का है, सारा का सारा उसी की समानता का है, वैसा ही है। तो उसका एक अणु भी उसे पसंद है तो उसे तीन लोक का भार, बल्कि अलोक आकाश का वजन भी उसे पसंद है। हर व्यक्ति मंजिल चुनाना चाहता है, उसके पास अटूट धन भी हो चक्रवर्ती जैसा, तो चक्रवर्ती के महल भी अलोकाकाश तक नहीं पहुंचते। ऐसा धन तो अटूट है और देवों के पास तो रिद्धियां हैं, चक्रवर्ती के पास भी है 14,000 देव जिसकी सेवा करें। ऐसा मनुष्य जिसकी एक एक चीज की रक्षा 14,000 देव करें, ऐसा मनुष्य। और देव में ताकत उससे भी अधिक होती है, तो वो तो मंदिर निर्माण करना चाहे तो अपनी रिद्धि से न मालूम कितनी कर सकता है और अलोकाकाश तक भी जा सकता है, पर नहीं होता, नहीं जा पाता। लेकिन मन किसका नहीं होता है, मन तो यहाँ एक कोई झोंपड़ी चुना रहा हो तो उसका भी होता है। कहता क्या करें, पैसा इतना ही है, अजी एक मंजिल तो और बना लो, तो पैसा ही नहीं है क्या बना लो। हाँ पैसा तो नहीं है, बनेगी भी नहीं, पर तुम बनाना चाहते हो नहीं, मैं तुम्हें आसमान तक बनाना चाहता हूँ, बनाने की क्या पूछते हो। तो अपना मन कितना है, ये जितना कुछ पास में है क्या हम इससे संतुष्ट हैं। जगत का सारा धन, सारे नोट यदि केवल हमारे पास इकट्ठे होकर आ जाएं, तो क्या हम संतुष्ट हो जाएंगे। हमारा यह प्रश्न बाकी ही रहेगा, इतने ही थे क्या, अब और नहीं है क्या, सब खत्म हो गए, तो इतने से क्या होगा। ये स्थिति सारी की सारी कर्ता कर्म के अज्ञान की है,
एक बात खाली, होता करता कुछ नहीं है, ज्ञान में एक विपर्यास पैदा हो गया है कि जैसे आंख में कोई व्याधि हो गई हो तो आड़ा टेढ़ा दिखाई देता है, पीलिया हो गया हो तो पीला पीला दिखाई देता है, रेल में बैठते हैं तो रास्ते के यहाँ भी केवल एक अज्ञान ऐसा है कि तू इतना संपूर्ण है कि जरा भी कुछ करने के लिए, सरकने के लिए, अपनी सीमा को छोड़ने के लिए और किसी से कुछ अपेक्षा करने के लिए एक समय की और एक प्रदेश की भी गुंजाइश नहीं। इतना तू पूरा है, परिपूर्ण है, और किसी से अगर तू ये अपेक्षा रखता है, इसका अर्थ यह है कि उसके पास ज्यादा है और तेरे पास कम। इस ज्यादा और कम की व्यवस्था कुदरत स्वीकार नहीं करती, चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, सारे के सारे पदार्थ अपने में संपूर्ण हैं। उसी प्रकार हर चेतन अर्थात मैं वो अपने में संपूर्ण हूँ। जिसने ये जाना तो उसे विकार का कर्तृत्व, विकार की चाह, विकार को आत्मा के साथ जोड़कर फिर आत्मा को पूरा अनुभव करे, पूरा माने, ये बात तो बहुत दूर रही। लेकिन वह शुद्ध पर्यायों को भी अपने साथ जोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि फिर तो बीच में सिलाई होगी और मुझे मेरे तत्व में सिलाई नहीं करना, क्योंकि मैं संपूर्ण। किसी को जोड़े तो क्या हो, जो चैतन्य है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बिना पूरा तत्व है। अब इससे अधिक और क्या कहा है? वो मोक्ष के बिना पूरा तत्व है। अब यदि हम उसके साथ मोक्ष जोड़ना चाहते हैं तो हमको सिलाई करनी पड़ेगी और वो भद्दा हो जाएगा। जो ये बूशर्ट बन चुकी है, अब इसके साथ तुम क्या जोड़ना चाहते हो कि ये बूशर्ट बन जाए, ठीक हो जाए? तो आत्मा के साथ क्या जोड़ना है कि आत्मा आत्मा हो जाए? सदा से ही संपूर्ण है, संपूर्णता का बोध कर्ता कर्म अधिकार में कराया, जीव अजीव अधिकार में भी कराया, और उसी जीव अधिकार की एक दूसरे प्रकार की मिथ्या दर्शन सहित अज्ञान की पर्याय, उसको कर्ता कर्म अधिकार कहते हैं। और इसमें उस अज्ञान मूलक अपराधी कर्ता कर्म की सूचना देकर आचार्य आत्मा का सच्चा कर्ता कर्म भी बताते हैं, और उस वास्तविक कर्ता कर्म को अर्थात वो कर्म जो सदैव परम सौख्य लेकर पैदा होता है, सुख लेकर पैदा होता है, उसका जन्म किस तरह होता है, उसकी विधि भी बताती है। ये कर्ता कर्म अधिकार का निचोड़ है। एक बार तो जैसे कोई बड़ी निधि मिल रही हो और उसकी सूचना मात्र से व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह जैसे उस व्यक्ति के सिर पर दिन भर वो पत्थर रखा और वो धूप में खड़ा रहा, किसी ने उसको आकर कहा कि अब 2 मिनट बाद तुम्हारा ये पत्थर उतार लिया जाएगा, बोलो उसे 2 मिनट बाद प्रसन्नता होगी या अभी से हो जाएगी? पहले से। उसी तरह कर्ता कर्म अधिकार को सुनते ही ऐसा लगे कि मेरे सिर पर ये जो पत्थर है सदा का रखा हुआ व्यर्थ का, और जिसका कोई परिणाम होने वाला नहीं है, मैंने जिसमें से कभी सुख की एक सांस भी
मैंने नहीं भरी, ऐसा जो ये आकुलतामय कर्ता कर्म है इसका भार अब मुझे उतरने वाला है। क्योंकि सामने डॉक्टर ये कह रहा है कि बस अब तुम बिल्कुल निश्चिंत निर्व्याधि स्वस्थ हो जाने वाले हो। ये अस्वस्थ जीव की बातें कर रहे हैं आज, जो सदा से हम तो स्वस्थ हैं ये बात हजारों बार बोली, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं तो साहब कभी भी स्वस्थ नहीं रहा। मैं तो कह सकता हूं दोनों तरफ से ही, पर आप बोलोगे तो एक ही तरफ से बोलोगे, नहीं साहब बिल्कुल नाखून में भी रोग नहीं करते, कभी कोई झगड़ा ही नहीं करते, अपन ऐसा झगड़ा नहीं पालते जैसे उनके ही हाथ का काम हो सारा का। लेकिन किसी ने सच्चाई से ये बात आज अगर आचार्य कुंदकुंद भी पूछें कि सकुशल हो, हाँ गुरुदेव आपकी कृपा से कुशलता है, ये बोलता है। लेकिन भीतर जो दया है इसका, तो जहां से आकुलता फूट फूट कर पीप की तरह से, पीप का दह है कर्ता कर्म का दह सड़ान, उसके भीतर ढक्कन लगाया है, कभी मंद कषाय का ढक्कन लगा देता है तो वो कम हो जाता, पट्टी बांध देता है तो वो आसपास दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर तो ऐसी बदबू रहती है। कर्ता कर्म गंदा भाव, अनधिकृत भाव, अनधिकार चेष्टा है, ये कोई अधिकार नहीं है आत्मा को कि वो अपनी सीमा से निकले और किसी दूसरे की सीमा में वो अधिकार का प्रयत्न करे। अधिकार होता नहीं, सीमा से कभी निकलता नहीं, वस्तु स्थिति से नहीं, अब इससे अधिकार क्या बताएं। निकलता हो तो इसकी चेष्टा साकार हो जाए, लेकिन यह भीतर ही भीतर अपने अज्ञान में ही ऐसी कल्पनाओं से बुरी तरह जकड़ा हुआ है, ग्रस्त है कि उन कल्पनाओं में से भले ये अनंत कल्पनाएं इसने की, लेकिन एक भी साकार और सार्थक नहीं, कुछ भी नहीं। दिन भर आदमी जिसके पास कम होता है, घर के साधन जिसके पास कम है, अच्छी तरह पेट भी नहीं भरता है, दिन भर सोचता है आजीविका के संबंध में, और शाम को बस वही पुरानी शाम, प्रातः काल तो वही पुराना सवेरा, कभी किसी को ताजा सवेरा और ताजा संध्या आज तक नहीं आई। वो आती है तो केवल एक इस अपराध के परित्याग में, आत्मा की अनुभूति में, आनंदमय अनुभूति में, वह प्रातः काल होता है, वो प्रभात कि जो जहां हम भगवान सिद्ध के पास जाकर सो जाएं, वहां प्रभात हो हमारा भगवान के पास। श्रीमद् आचार्य ने लिखा है बहुत अच्छा, प्रभात हुआ द्रव्य निद्रा दूर हुई, भाव निद्रा टालवानो प्रयत्न करजो। कितना बढ़िया लिखा है, कितना मधुर लिखा है। सवेरा हो गया, द्रव्य निद्रा दूर हो गई, आंखें ठीक हो गई, पूछे जाएगा अभी नींद आ रही है, नहीं अब ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं है, फिर तो बहुत काम बाकी है। उन्होंने कहा केवल एक काम करना, तुम्हारे भीतर अभी भाव निद्रा अर्थात ही कर्ता कर्म का अपराध और शेष है, जिसमें तुम गाफिल हो, जिसको आज तक समझ पाए नहीं हो, उसको टालने का प्रयत्न करना।
कर्तव्य पूछते हैं लोग, काम पूछते हैं, काम बताओ साहब क्या, दिन भर जिनवाणी कैसे पढ़े, दिन भर समयसार कैसे पढ़े। भाव निद्रा टालने के प्रयत्न में कभी भी प्रमाद नहीं होता, टालने का प्रयत्न करे सदैव प्रसन्नता, और उसको निद्रा में भी जागरण होता है। भाव निद्रा जब चल जाती है, निद्रा में भी जागरण होता है, मैं तो अरे मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मेरे से सुंदर मेरे से अच्छा इस जगत में कोई नहीं है, इसलिए उसे किसी दर्पण की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसे किसी से ये नहीं पूछना पड़ता कि मेरे से सुंदर जगत में कौन है। सौंदर्य प्रतियोगिता होती है ना, हम तो कहते हैं वो आया है, वो आई है सौंदर्य प्रतियोगिता में, अरे तुझे ये कहना चाहिए कि कोई नहीं आ सकता, क्योंकि जगत में सर्व सुंदर तो मैं हूँ, ये बोले आज तो कोई है ही नहीं जगत में ऐसा जितना मैं, सब सिद्ध तो सब एक से होते हैं, एक ही कैसे सुंदर हुआ, बहुत हुए ना सुंदर सिद्ध तो सारे के सारे एक से होते हैं और सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, एक कैसे हुआ सर्व सुंदर, ये कैसे मान ले हम मैं ही सुंदर हूँ और दूसरे नहीं हूँ मेरे से भी, क्यों भी अपेक्षा से है ना, बस मैं निरपेक्ष बोल रहा हूँ, आपको अपेक्षाएं बहुत मालूम है, मुझे इतना मालूम नहीं था। देखो ये जो अपना मुंह है ना, ये मान लो ये सुंदर है, ये है किसी और के पास, ये हमारा किसी और के पास है, ये जगत में कौन हुआ फिर, और सुंदर हो लेकिन ये हम जैसे हैं वैसा नहीं है, वो नहीं है वो, तो कौन हुआ सर्व सुंदर, मेरे जैसा जगत में दूसरा है नहीं, हो नहीं सकता और था भी नहीं। कांच में तो मुंह देखे लेकिन ज्ञान में नहीं देखे, अधिकार मधुर है। असल में सबसे बढ़िया बात यह है, अधिकार का जो मिठास है वो मिठास हमारे ज्ञान में, हमारे वेदन में, सविकल्प वेदन में वो मिठास लगना चाहिए। किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा कि ये व्यंजन इतना बढ़िया है, इतना स्वादिष्ट है और इतना स्वास्थ्य कारक है, प्रोटीन विटामिन वाला, कि तुम इसको जीवन भर खाते ही रहो, ऐसा किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने, इतना स्वादिष्ट है अमृत जैसा, तो हमारा मन चलायमान हो जाएगा ना, खाया नहीं अभी। लेकिन अब हमारे जो विकल्प हैं तो वो व्यंजन मिलने वाला है हमको, रखा है, तो हमारे विकल्प कितने आनंद में हो जाएंगे, वैसे रहेंगे क्या जैसी हम और बहकी बहकी बातें करते थे, तरह तरह की, कभी मिला कभी नहीं मिला, आज नमक नहीं है कल मिर्ची ज्यादा है, ये बातें करेंगे। अब केवल एक तरफ केंद्रित हो गया ना, तो वो भी आत्मानुभूति के पहले की सर्विकल्प दशा करण लब्धि कहलाती है, जिसमें जिसको न हम इंद्रियानंद कह सकते हैं और न जिसको हम आत्मानंद कहते, इस बीच की स्थिति जहाँ आत्मानंद निकट में मिलने वाला है, उसका आनंद सब विषय फीके,
सारा विश्व फीका, ऐसा लगता है। वही इस अधिकार का विषय है और इसलिए इसकी मिठास की चर्चा हम करते हैं। बात तो मीठी लगे सुनने में, प्रिय मन, प्रिय मन मीठी लगे, सुहावे चित्त को, चित्त को प्रसन्न करे, सुनते समय चित्त में प्रसन्नता हो। अरे क्या महान उपलब्धि है कि जिसके पाने के बाद दरिद्रता की कल्पना भी नहीं, मैं कभी दरिद्री हो सकता हूँ ये कल्पना होती है। आज जितनी प्रतिष्ठा है हमारी जिसके बल पर, उसके संबंध में हर क्षण ये शंका कि ये किस समय हमारे पास से संपूर्ण विदा हो सकती है। भले ही है पास में, उसका अभिमान भी है, पर अभिमान के साथ चित्त ये सशंक, सशंक चित्त वाला वर्तता है जगत का प्रत्येक प्राणी, इसलिए वह निर्भय नहीं हो सकता। और सशंक इसलिए है कि जो कुछ उसके निकट है उसमें उसका घोर अपनत्व है, और वह उसका है नहीं, वह उसमें प्रवेश कर नहीं सकता, इसलिए उसका चित्त हमेशा सशंक रहता है। कि जैसे अपराधियों का चित्त सशंक, हर समय सशंक रहता है, किसी के घर में पैर रखते ही शंका का उत्थान जबरदस्त होता है, फिर भी पाप से का डर छोड़कर वह उस काम को करता है किसी विशेष कषाय के छा जाने पर। कषाय में भी ऐसी विशेषता है, एक कषाय वो दूसरी कषाय को हल्का कर देती, एक कषाय की उग्रता हो तो दूसरी कषाय हल्की हो जाती है और तब वो जीव वैरागी दिखाई देने लगता है। क्या ये किसी को उपवास करना हो तो उपवास में उसने सुन लिया हो कि उपवास के बाद ऐसा स्वागत होता है, बाजार में जुलूस निकलता है, लोग कपड़े लाते हैं और घर में गीत और वादित्र होते हैं, ये उसने सुन लिया, वो कर गया उपवास। कौन सी कषाय के अनुरोध से कर रहा है, कौन सी कषाय छाई हुई है? और इधर ये जो खाने की कषाय थी वो हो गई मंद, तो उपवासी कहला गया। पानी भी नहीं लिया, अरे वाह तुमने तो सच्चा उपवास किया, सारी दुनिया ये बोले तुमने तो सच्चा उपवास किया, अरे पर उससे तो पूछो भीतर से ईमानदारी से। एक कषाय के अनुरोध से, या लोभ कषाय हो वहाँ मान कषाय हल्की हो जाएगी, वहाँ उसे क्या जितना बुरा भला कहो लोभी को, तो उसको 50 गालियां दे जाओ ना, वो कहेगा कि भैया कोई अर्ज नहीं है, बाद में आना, फिर आना, उसको लगेगा ही तो क्या वहाँ मान नहीं है उसको, मान गया ना, उसे मान लो मान आता ही नहीं है तो फिर तो गया, फिर भी नहीं है, फिर कहाँ बैठा है? छिपने के कोने बहुत हैं यहाँ, इसलिए सब कुछ बैठा है, सब कुछ संपूर्ण विकार, विकार का एक अंश भी गया नहीं, कम नहीं हुआ। और ये केवल एक प्रकार का ज्ञान कर्ता कर्म का अंत हो जाने पर विकार के सारे कोने खाली हो जाते हैं, इतना इसका प्रभाव, इतना शक्ति, इतनी इसकी, कर्ता कर्म के अज्ञान का अंत ज्ञानोदय करता है। और वो ज्ञानोदय जिस समय एक बार चैतन्य के सन्मुख होता है तो ये कर्ता कर्म को भागने को जगह नहीं मिलती, छिपने को, अज्ञान
भागता फिरता है चारों दिशा से, मिल जाते हैं जगत में लाखों है करोड़ों है। इतना तेज है इसका, इतना प्रभाव है, क्योंकि आत्मा इतना तेजस्वी इतना शक्तिमय पदार्थ है। शक्ति तो देखो आत्मा की, कि जिसके खंड खंड कर दिए जाने पर भी जो अखंड रहता है, खंड खंड शरीर के दिखाई देते हैं, वो भी पारे की तरह, वो भी वैक्रियक शरीर के, वैक्रियक शरीर जिससे बहुत मजबूत होता है औदारिक से, उसके पारे की तरह टुकड़े खंड हो जाने पर भी वहां भी आत्मा अखंड रहता है, पारे की तरह बिखरता नहीं है। जहां जहां वो टुकड़े होते हैं उन सबके बीच में वो आत्मा रहता है। ये तो वहां नरक की बात हुई, समुद्घात में जब भगवान केवली समुद्घात करते हैं, सारे लोक में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, शरीर में भी रहते और उनका विस्तार होता है रबड़ की तरह, सारे लोक में वो प्रदेश फैल जाते, लेकिन लोक का एक भी प्रदेश आत्मा से खाली नहीं रहता, वरना खंड हो जाएगा। हवा फैलती है जैसे तो विषैली गैस कहीं से निकली तो फैलने लगी, फैल गई ना सर्वत्र। शरीर में कोई विष का इंजेक्शन लग गया तो तुरंत रक्त के कण कण में वो विष जैसे व्याप्त हो गया, लेकिन ये सारी स्थिति इन संयोगों की होने पर भी आत्मा अखंड रहता। कितनी शक्ति, ये उसमें कोई शक्ति है जिसके बल पर होता है ना, तो कौन सा गुण है आत्मा, कौन सा गुण है आत्मा में ऐसा, अरे अस्तित्व तो पहला ही है बाबा, कहाँ ढूंढने जा रहे हो। जिसके कारण आत्मा का कभी नाश ना हो, ऐसा गुण आत्मा, कितना शक्तिमान होगा वो। ऐसा शक्तिमय तत्व मैं हूँ जिसने एक बार ऐसा दृढ़ता से ये विश्वास किया, उसको भय कहां से होगा, ये भय कहां से होगा कि कोई जो है वो तोड़ देगा, फोड़ देगा, तो बिगाड़ देगा, तो प्रहार कर देगा, कोई हमला करेगा, तो कि हमला किस पे होगा। जिसका एक प्रदेश भी कभी खिरता नहीं है वो तत्व कैसा होगा। और ये वाणी समवसरण में इंद्र भी खरगोश की तरह चुप बैठकर भगवान के मुंह से सुनता है। इंद्र एक भावावतारी होता है नियम से, इंद्र खरगोश की तरह कोने में बैठा रहता है और भगवान की वाणी को पीता रहता है। क्या बोलते हैं भगवान, ये भी वाणी भगवान की, ये भी छोटा सा समोसर है लेकिन गायब है सबका और असली भगवान के समोसरण से कोई सम्यक दर्शन लेकर न लौटे तो उसे वहां सुनने में आलस आता होगा, नहीं आता क्यों,
वाणी ही ऐसी होती है और उस वाणी से प्रवर्तित जो तत्व ज्ञान है अगर कुछ तो सुनता है। अभव्य को प्रायोग्य लब्धि तक होती है तो देशना तो हुई नहीं हुई, आखिर कुछ तो सुनता है वो। लेकिन प्रमाद, क्योंकि वो वाणी क्या है, ऐसी होती है कि जैसे अमृत, साक्षात अमृत जैसे भगवान की सातिश है वाणी, इतनी मधुर, शब्दों में माधुर्य नहीं होता। यहाँ से एक भजन गावे तो जिसमें तो अरे ऐसा तो सुना ही नहीं आज तक, मधुर ताई इंद्र मुग्ध हो जाए, इससे अधिक और क्या। इंद्र के पास जो वाणी नहीं, वो सातिशय वाणी भगवान के पास होती है और यह उसका प्रतिबिंब है उस वाणी का। महिमय तत्व की जीव भी कितना जटिल, तो वहां जाकर आवे, इतना सुनकर आवे, फिर भी टस से मस ना, इतना जटिल। ऐसे जटिल परिणाम वाले होते हैं नहीं लोग, अपन देखे इन जगत में ऐसे जटिल परिणाम वाले लोग इस जगत में देखे नहीं। बैठे हैं जिनको थोड़ी बदनाम करना, समय हो गया अब क्या करें, मन ऐसा हो जाता है।